प्रदेश सरकार जल्द ही एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च करने जा रही है। योजना के संबंध में गठित उप समिति की आज विधान भवन स्थित सभागार में उप समिति के अध्यक्ष व वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित योजना के माध्यम से प्रदेश की 2000 एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इनमें विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर और एसिड से पीड़ित महिलाएं शामिल है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा जो मूल रूप से उत्तराखंड की निवासी होंगी। कैसे हमारे यहाँ की जो पात्र महिलाएं, मैं पात्रता भी बताऊंगा, उनको हम आत्मनिर्भर कर सकें। इसमें जो पात्र महिलाएं होंगी, एक तो इसका जो क्षेत्र होगा पूरा प्रदेश, यानी कि उत्तराखंड हमारा प्रदेश में जो महिलाएं यहाँ की मूल या स्थायी निवासी होंगी। दूसरा, एकल निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होगी। तीसरा, इसमें जो महिलाएं हैं वो विधवा, प्रत्याक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल निराश्रित महिला या जिन महिलाओं के बच्चे अविवाहित या अवयस्क होंगे वो हमारे इस स्कीम की पात्र होंगी। हम एक वर्ष के लिए इस स्कीम को पहले आओ पहले पाओ के आधार पे शुरू करेंगे।